एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है ईएन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, या फिर इसमें अपन कह सकते हैं प्रभावी परमाणविक संख्या। आज अपन इस वीडियो के अंदर जो बात करने वाले हैं उसमें जनरली क्या कहा गया है कि सामान्यतः जो संक्रमण धातुएँ हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और अपना जो विन्यास है वो क्या करती हैं, अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान क्या करती हैं, विन्यास बना लेती हैं, अपना ऑक्टेंट है वो पूर्ण कर लेती हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के ग्रहण करने के आधार पर क्या कहा गया है कि इसमें जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, प्रभावी परमाणु संख्या है, उसको इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है कि जो है इस रूल के अंदर यही है कि भी आपका जो के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करती है, अपनी प्रभावी परमाणविक संख्या है वो प्रदर्शित करती है और निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास बनाती है। यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि अपन ने कहा कि संक्रमण जो धातु है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन जितनी संख्या में ग्रहण करती है, जितना इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो उसका परमाणविक प्रभावी परमाणविक संख्या कहलाएगी। साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो आपकी अपन बात करने वाले हैं जनरली ये किससे रिलेटेड है कि आपका जो मेटल है वो क्या करेगा, आपके CO कह दें या किसी कार्बोनिल द्वारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और यहाँ पर अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ पर CO है वो क्या कर रहा है, डोनर की तरह व्यवहार कर रहा है, अपना जो है दाता की तरह यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन अपना युग्म देगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ अपन बात करें तो जनरली यहाँ पर जो CO है ये आपका जो है एक तरह का न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, कि इस पर किसी तरह का कोई चार्ज है व्यवस्थित नहीं होता है। अब देखिए बात करें कि CO है वो क्या है, उदासीन लिगेंड है, मतलब इसमें ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन युग्म है आपके युग्म के रूप में दान करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में दान करेगा। तो यहाँ पर जो CO है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, यहाँ पर जो है डोनेशन करता है, दो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या करेगा, दान करेगा। साथ में ये न्यूट्रल लिगेंड है तो आपका जो मेटल है, ठीक है, ये मेटल है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सामान्यतः आपको ज़ीरो देखने को मिलेगी, आपको जो शून्य है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी कि इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था है, नंबर है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन इसका शून्य होता है तो अपन यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो इस मेटल का जो एटॉमिक नंबर है इसका एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कह दें इलेक्ट्रॉन नंबर कह दें कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है दोनों ही कैसी होंगी, बराबर होंगी, समान मात्रा में है, आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बात करें कि जो केंद्रीय धातु आयन है इसको CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इलेक्ट्रॉन दान करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, दो इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। यहाँ पर CO न्यूट्रल लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, न्यूट्रल लिगेंड की व्यवहार की वजह से जो मेटल है, केंद्रीय धातु आयन है, इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो शून्य देखने को मिलती है। केंद्रीय धातु आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो शून्य होने का मीन ये है कि आपका एटॉमिक नंबर और आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर दोनों ही क्या है, आपके इक्वल इसमें आपको क्या करेगा, जो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करें कि ऐसा जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, ये एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सिजविक एंड वेली, सिजविक और वेली नाम के जो साइंटिस्ट थे
उन्होंने सबसे पहले इससे रिलेटेड जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो दिया, और इस आधार पर इन्होंने जो आपके मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, जो मेटल कार्बोनिल्स कंपाउंड हैं उनका एक्सप्लेनेशन किया, और एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपन बात करें, इस एक्सप्लेनेशन के आधार पर इन्होंने ये कहा कि सामान्यतः मेटल कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर जो है मेटल और कार्बोनिल का बॉन्ड पाया जाता है। तो दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि यहाँ पर मेटल और जो आपका आपके कार्बोनिल है इसके बीच आपका जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उपसहसंयोजक बंध है, उपसहसंयोजक बंध का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आपके सीजबिक और वेली ने किया, मेटल कार्बोनिल के बारे में बताया, और इसके आधार पर कहा कि भाई इनके बीच में बंध पाया जाता है, सामान्यतः इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उपसहसंयोजक बंध है वो देखने को मिलेगा, और आपका जो आपके कार्बोनिल होगा वो कितना होगा, दो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, या फिर वह आपके इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में यानी लॉन पेयर के रूप में भी आपका क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है। तो ये इसमें कुछ खास बातें यहाँ पर जो हैं आपके ईएन रूल या कह दें आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताएगी। अब देखें यहाँ पर बात करें यहाँ पर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की, तो देखिए एग्जांपल्स में यहाँ पर देखेंगे कि जो शुरुआती अपन ने बातें कही हैं उसी का यहाँ पर वापस एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कि सबसे पहले बात करें कि मेटल के साथ आपका इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, लिगेंड कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, और डोनर कितना होगा वो, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो, और प्लस ये चीज़ जो है आपकी कि आपका एटॉमिक नंबर और आपकी इलेक्ट्रॉनिक कौन आपके नंबर दोनों इज़ इक्वल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर अपन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि भी एग्जांपल से देखेंगे तो अपने को ये समझ में आएगा कि भी किस तरह से यहाँ पर जो है ये रूल फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो जो आपका ईएन रूल है, ये ईएन रूल आपके दो तरह से इफेक्टिव होता है, दो तरह से लागू किया जाता है। एक तो होता है 36 इलेक्ट्रॉन रूल, एक होता है 18 या कह दें 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन आपके कौन जो कार्बोनिल है मेटल कार्बोनिल क्या करेगा, या तो इसके समान विन्यास बनाएगा या फिर इसके समान 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें दोनों काम किस तरह से करते हैं। जनरली 36 इलेक्ट्रॉन रूल है, ये दिया जाता है कि आपका जो एटम है उसमें एटॉमिक नंबर और प्लस इसके साथ जुड़े हुए लिगेंड, उसके संग आधार पर क्या किया जाता है, आपका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें दूसरी 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, इसमें क्या बताया गया है कि आपका जो वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, कि वैलेंस शेल में जितने भी आपके मेटल के जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उन इलेक्ट्रॉन की संख्या और फिर उसके साथ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो ये आपके दिया जाएगा वैलेंस शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आधार पर, और ये दिया जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है या फिर एटॉमिक नंबर है उसके आधार पर 36 इलेक्ट्रॉन रूल है वो फॉलो किया जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन जो 36 इलेक्ट्रॉन रूल जो फॉलो है वो किस तरह से किया जाता है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है आपका NiCO का होल 4। NiCO का होल 4 में बात करें तो यहाँ पर जो इसके लिए ईएन रूल है वो किस तरह से लागू होगा, तो सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु आयन है, वो यहाँ पर कौन सा है आपका, निकल है, कि केंद्रीय धातु आयन है वो निकल है, और यहाँ पर इसके साथ जो सीओ है वो क्या कह रहा है, वो इसमें डोनर की तरह व्यवहार करेगा, और यहाँ पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनर हैं,
दो इलेक्ट्रॉन की आपका निकल है, इसको CO द्वारा दो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया जाएगा। तो अपन यहाँ पर बात करें कि कुल संख्या में कितना है, चार। तो यहाँ पर ये आपके इस तरह से हो जाएगा। तो जो अपन यहाँ पर इसको इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, CO से ग्रहण आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर देखिए ये जो संख्या है, जनरली अपन कहें कि भाई यहाँ पर जो EN रूल लगाया जाएगा, जनरली वो किस आधार पर लगाएगा, M प्लस टू वाई के रूप में। यहाँ पर M आपका आपका एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर जो CO है ये उसका डोनेशन नंबर है, और ये इसका अपन Y की बात करें तो ये आपके समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इस आधार पर क्या किया जाता है कि अपन इसको जो ये जो आपका रूल है वो इसमें फॉलो करेंगे। अब देखिए सबसे पहले CO से ग्रहण, तो CO यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो यहाँ पर बात करें तो दो इंटू, अब देखिए टोटल समन्वय संख्या कितनी है, चार, तो आपका हो जाएगा आठ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कितने गए कि आठ इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा डोनेट किए गए हैं। फिर बात करें कि जो आपका सेंट्रल एटम है, इसका आपका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके, 28। और अब बात करते हैं लास्ट अपने यहाँ पर कि आपका जो NiCO का होल 4 है, इसमें आपका जो Ni है इसके लिए EN नंबर, तो EN नंबर अपन किस आधार पर लिखेंगे, M प्लस 2Y। तो यहाँ पर अपन इसको अपन लिखने की बात कहें तो यहाँ पर कौन कितना हो जाएगा, M प्लस 2Y के रूप में, कि M है वो कितना है, 28, एक प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया आपके, 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो जाएंगे 36। तो ये जो आपका कंपाउंड होगा वो किसके समान आपके उत्कृष्ट गैस के विन्यास बनाएगा, कि यहाँ पर NiCO का होल 4 है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट होने के बाद ये क्या करेगा, इसका जो निकल का आयन है ये क्या करेगा, आपके 36 इलेक्ट्रॉन या कह दें आपके क्रिप्टोन है, यानी निकटवर्ती जो इसकी आपकी इनर्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस है, वो कौन सी है आपके, क्रिप्टोन। तो क्रिप्टोन के समान अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसके द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बात करें, कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखिए, बहुत इजीली और बहुत अच्छा एग्जांपल इसके रिलेटेड आपका दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए EN रूल है, वो अपन जो नेक्स्ट अपना कंपाउंड है वो आपका है FeCO का होल 5, आयरन का कार्बोनिल। तो यहाँ पर अपन बात करें जो आयरन है इसका कार्बोनिल, आयरन के कार्बोनिल के अंदर सबसे पहले जो आपका आयरन है, इस आयरन में एटॉमिक नंबर, फर्स्टली अपन यहां पर जो चीज सीधी सीधी जानते हैं ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, कैसा है आपका, न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये क्या करेगा कि जो इसकी है ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। तो जैसे बराबर होंगे इसमें इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है आपका 26, कितना हो गया एटॉमिक नंबर 26। फिर बात करें कि जो आपका CO मॉलिक्यूल है, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन के नंबर की भी, आपका जो आयरन है वो इलेक्ट्रॉन नंबर ग्रहण करेगा, तो अपन 2 इंटू, अब देखिए इसमें ये क्या आपका समन्वय नंबर है, कितना है, 5 है, तो यहाँ पर जो CO है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या करेगा, आपका डोनेशन करेगा। तो यहाँ पर इसको किसको डोनेशन करेगा, आपके आयन मेटल को।
आयरन मेटल को क्या करेगा, ये डोनेशन करेगा। फिर बात करें, डोनेशन हो गया, अब यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है या जो सेंट्रल मेटल है उसमें अपन बात करें कि इसके लिए ईएन रूल, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल कौन सी है, आयरन, तो यहाँ पर अपन एक इसके आधार पर लिखना है M प्लस 2y के आधार पे, M इसका एटॉमिक नंबर 26 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये देखिए आपका 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाता है 10, तो ओवरऑल बात करें ये किसके इक्वल हो जाता है 36 क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर भी वही चीज़ आपके फॉलो की जाएगी कि आयरन है FeCO वॉल का 5 है, इसके साथ अगर प्रेजेंस होती है तो ये आपके जो क्रिप्टॉन है उसके इक्वलेंट क्या करेगी, अपना जो ऑक्टेंट है, अपना जो विन्यास है वो क्या करेगी, शो करेगी, और उसके द्वारा आपके ईएन रूल इसमें इस तरह से फॉलो किया जाता है। इसी तरह से बात करें, यही एक इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और दे रखा है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, अपन यहाँ पर बात करें FeCO का होल 9, यहाँ पर बात करें तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, देखिए इनमें इन दोनों एग्जांपल्स में से एक तो पक्का है, वो एग्जांपल आप एग्जाम के हिसाब से तैयार कर सकते हो कि यहाँ पर इससे रिलेटेड आपका एक ज़रूर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि आपका CO कितने डोनर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और अभी इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 9, तो अपन इसको इस तरह से लिख के भी कर सकते हैं कि CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन नंबर कितना हो जाता है, 9। प्लस यहाँ पर जो एक चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर ये बोन तो अपन बात कर सकते हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आ जाती है कि यहाँ पर मेटल मेटल जो नंबर है यानी मेटल मेटल के बीच में क्या पाया जाएगा, बोन फॉर्मेशन पाया जाएगा। तो यहाँ पर FeFe जो बॉन्ड फॉर्मेशन है यानी बंध निर्माण है उसका निर्माण की जो संख्या बात कर लें या उसका नंबर बात करें तो यहाँ पर वो कितना होता है, संख्या में 1 होता है। तो अब अपन यहाँ पर बात करें जो सेंट्रल एटम आपके Fe है उसके लिए आपका जो EN नंबर, तो यहाँ पर EN नंबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले 26 एटॉमिक नंबर प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना है 9 प्लस मेटल मेटल बॉन्ड, तो ये भी आपके संख्या में कितना है 1, तो ओवरऑल यहाँ पर बात करें तो 36, तो ये भी क्या करता है कि इसमें एक आपका Fe आयन है वो किसके विन्यास बनाएगा, आपके क्रिप्टॉन के जैसे अपना ऑक्टेंट है वो कंप्लीट करेगा और उसके समान अपना जो विन्यास है वो इसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए इसमें अपन कुछ और बातें करें तो पेपर के अंदर आपके दो इसी से रिलेटेड और एग्जांपल अपन दे रखे हैं, अब अपन उसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये एक जो लास्ट वाला था ये एग्जांपल भी आपके एग्ज़ाम में आपके दे रखा है FeCO का होल 9, तो यहाँ पर ये आपके 19 के पेपर में भी डिस्कस किया हुआ है, तो अपन यहाँ पर नेक्स्ट इसके और एग्जांपल अपन इसमें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा आपका आपके PdCO का होल 6, कौन सा एग्जांपल है आपके PdCO का होल नहीं सॉरी 6 ना होकर 4 है। अब यहाँ पर देखिए बात करें, ये जो एग्जांपल है इसमें पैलेडियम है उसका कार्बोनिल का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर जो CO है वो कैसा है आपका, न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है तो इसमें आपका जो पैलेडियम है इसमें आपका एटॉमिक नंबर ये कितना हो जाता है आपके, ये जो पहले था तो इसमें ये आपका था 46, कितना हो गया इसके अंदर आपके 46 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर या फिर इलेक्ट्रॉन
जो नंबर है वो भी इसमें क्या हो जाता है, इसके इक्वलेंट हो जाता है। अब इसमें बात करें कि जो आपके सीओ है, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन तो डोनर हैं और फिर ये इसके साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है आपको मेटल को देगा, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाता है, 2 × 4। यहाँ पर ये आपके पहले से पता है कोऑर्डिनेशन नंबर है यानी समन्वय संख्या, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 8। फिर बात करें कि यहाँ पर कोई मेटल मेटल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये क्या है, मोनोन्यूक्लियर आपका मेटल कार्बोनिल है। तो मेटल कार्बोनिल कैसा है, मोनोन्यूक्लियर है, एक धातु वाला है, तो यहाँ पर अपन बात करें तो इसके लिए मेटल मेटल बॉन्ड आपका क्या होगा, 0 होगा। फिर बात करें पैलेडियम है आपके, इसमें इसके लिए ईएन रूल, तो ईएन रूल अपन इसके लिए लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले M+2Y, M आपका कितना है 46, 2Y का मान कितना है इसके लिए 8, तो ओवरऑल बात करें 54, तो ये किसके समान अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा कि आपका जो जीनोन है यानी निकटवर्ती इसकी जो आपके आपके इनर्ट गैस होगी, उत्कृष्ट गैस होगी, वो कौन सी होगी, आपके आपके जीनोन होगी जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। तो यहाँ पर जो पैलेडियम का कार्बोनिल है वो अपना इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और उसके लिए जो ई एन नंबर है वो इस तरह से बताया जाता है या इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल और आपका है, बहुत इजीली एग्जांपल है, और ये जो है आपका कौन सा होगा, इसके लिए दे रखा है आपका OS का होल CO6, ऑस्मियम का जो आपका हेक्सा कार्बोनिल है वो इसमें दे रखा है। यहाँ पर भी बात करें तो आपके जो CO है न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, तो यहाँ पर जो आपका ऑस्मियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसके लिए, कि यहाँ पर ये जो ऑस्मियम है ये कैसा होगा, 76, कि ऑस्मियम है इसमें आपको 76 इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर है वो इसमें देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर बात करें कि जो आपका CO मॉलिक्यूल है, इस आपके इसके द्वारा जो त्यागे गए जो इलेक्ट्रॉन संख्या है, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा, 2 × 6, तो इक्वल देखिए 6 है तो यहाँ पर 12 है। फिर बात करें कि आपका जो ऑस्मियम का आपके मेट है कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ऑस्मियम की जो है इसके लिए आपका ईएन नंबर, तो ईएन नंबर यहाँ पर बात करें 76 प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 84, ये किसके लिख 86 किसके इक्वलेंट हो जाएगा आपके 86, यहाँ पर 86 ना 88, देखिए आपका 8 8, तो 86, तो इसमें ये होता है आपकी रोडियम के समान या रेडोन के समान क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस ऑस्मियम के आपके हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड द्वारा इस तरह से ई एन नंबर है वो इसमें शो किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप को आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स सब बनाते रहें, और ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपको 1 नंबर का, 2 नंबर या फिर 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको आराम से एग्ज़ाम से एग्ज़ाम्पल आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स सब बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।